गहराई। मुझे डर भी लग रही है यहाँ पे, मेरे पैर डूब गए घुटने तक। देखेंगे कि कितनी पावर लगती है भाई पहले गियर में, क्या इतनी बड़ी स्पीड वाली नदी में हम पार कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपने कल के वीडियो में देख लिया हो कैसे हमने वो लकड़ी को बांध करके खींचा अपनी साइकिल से, और कितनी पावर लगी उसमें, कितनी एनर्जी लगी। अगर नहीं देखा तो जाकर के देख लो। तो दोस्तों, आज का दिन नया शुरू हो गया फिर से, और आज के कुछ अमेजिंग एडवेंचर्स में आप सभी को हम दिखाने वाले हैं बहुत सी नई नई चीज़ें। तो चलिए फिलहाल हम कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट, उसके बाद दिखाते हैं आपको आज के वीडियो में क्या होने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अभी अपने रेगुलर प्रैक्टिस वाले एरिया पे। दोस्तों, यहीं से हमने प्रैक्टिस करके लद्दाख राइड अपनी कंप्लीट की थी, और आज फिर से दोस्तों हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं कोशिश आज इस नदी को पार करने की अपनी साइकिल से। तुम भी करोगे कोशिश? देखेंगे। अच्छा, तुम देखोगे। तो ये भाई इमामुद्दीन हमको फिर से मिल गया। कल के वीडियो में आपने इसको देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाकर के देख लेना। और ये अपने भाई मिले हैं, कुछ सब्सक्राइबर है भाई। क्या नाम है तुम्हारा? मनीष भाई। और तुम्हारा क्या नाम है? कन्हैया भाई। तो अभी ये लोग भी देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे और कैसे हमारा वीडियो शूट होगा आज का। तो इमामुद्दीन भाई, तुमने वीडियो नहीं देखी होगी ना, देख लेना अभी थोड़ी देर में आप जाके घर, ठीक है? तो अभी चलते हैं यहाँ से पहले नीचे, उसके बाद करते हैं अपना आज का कारनामा स्टार्ट। तो भाई मैं चल रहा हूँ अभी पहले गियर में, और देखेंगे हम जहाँ सबसे गहरा होगा वहीं से पार करेंगे। कितना गहरा है? अरे तो गाइस, हम आ गए यहाँ पे, और अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि कितना गहरा पानी है। ये देखो, मेरे पैर इतने डूब गए घुटने तक, काफ़ी गहरा है। तो यहाँ से तो मैं साइकिल लेके जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो पहले ही फंस जाऊँगा मैं। तो मैं थोड़ा सा ऐसी जगह ढूंढता हूँ जहाँ से कम ईजिली चल के पार हो जाए। तो देखेंगे कि कितनी पावर लगती है भाई पहले गियर में, क्या इतनी बड़ी स्पीड वाली नदी में हम पार कर पाएंगे। जो भी होगा, उसके नीचे तो पूरा रेता है यार, यहाँ पे वैसे ही फंस जाऊंगा मैं। हैं? क्यों चुभेगा अगर कुछ होगा तो पैरों में? हैं? हाँ, अगर खोल दूंगा ना तो चुभेंगे। तो भाई अभी पहले जाके हम चेक करते हैं कितना पानी है, कितनी गहराई है। लेकिन अगर मेरे हाथ में कैमरा होगा तो मैं हाथ भी नहीं चला पाऊंगा। तो भाई मैं जा रहा हूँ अब यहाँ पे ना, इधर से एक पानी आ रहा है, इधर से तो दोनों पानी मिल रहे हैं, तो काफ़ी गहरा हो सकता है यहाँ पे। तो भाई मैं जा रहा हूँ, काफ़ी गहरा है, मुझे डर भी लग रही है यहाँ पे। और भाई जाए जा रहा हूँ, और मैं यहाँ बहने लगा हूँ थोड़ा थोड़ा, काफ़ी गहराई है यहाँ पे। तो और मैं काफ़ी तेज़ी से जा रहा हूँ यहाँ, पानी का बहाव देखो भाई। और यहाँ पे ऊंचा है लेकिन स्पीड बहुत तेज है, और मैं खींचा कराऊँ, लिटरली खींचा कराऊँ। देख सकते हो आप लोग, काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा हूँ। बहाव काफ़ी तेज़ है यार। ओ भाई बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। अब लगता है मैं नहीं रुक पाऊंगा। अबे शिट, माय गॉड भाई मैं वहां पे गिर गया, लकीली साइड में आ गया भाई, जैसे तैसे हाथ पैर मार के। शिट, ओह शिट मैन। चलो
बच गया भाई। उधर देख लो कितना तेज बहाव है, अगर वहाँ गिरता तो कांड हो जाता मेरा। बच गया शेट। तो गाइज मैं तो अपनी साइकिल को डालने वाला था, बट मैं पहले खुद ही नहीं जा पाया। अटेम्प्ट यार फेल हो गया पहला अटेम्प्ट, और अब अंधेरा भी काफ़ी हो गया, चांद भी नज़र आ रहा है, तो भाई लोग भी अपने यहाँ पे रुके हुए हैं। तो भाई अब मैं इस नदी को पैदल मतलब एक बार पार करके कोशिश दोबारा करता हूँ, क्या लकीली मैं कर पाऊँगा, क्योंकि ये वाला हाथ मैं नहीं चला पा रहा हूँ जिसमें मैंने कैमरा पकड़ा है, और वहाँ मैं पत्थरों में फंस गया था। अब यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ पार करने का। यहाँ पे से ट्राई करना बहुत टफ चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे बहाव बहुत तेज है। तो कोई बात नहीं, ऐसे चैलेंजेस हमें पसंद है। अरे वाह, यहाँ पे तो बहुत कम है, गहरा ही नहीं है, हैं? एकदम से गड्ढा आएगा, संभल के जाना होगा, एकदम से गड्ढा आएगा, फिर इधर से वहाँ पहुँच जाऊँगा मैं। अरे यहाँ पे गहरा है भाई, एकदम से काफी तेज गहरा है। भाई यहाँ पे मैं कमर तक घुस गया हूँ इसे, और ये गहराई गहराई। ओ शिट, बहुत गहरा। भागना पड़ेगा, पत्थर आ गया। अगर सीधे भागूंगा तो गिर जाऊंगा और दांत वहां टूट जाएंगे। ओ हो, बच गया, लेकिन पार नहीं हो पा रही नदी भाई, बहुत टफ है, बहुत टफ है भाई। हाँ बहुत तेज पानी है भाई, बहा के ले जा रहा है, और उधर की तरफ पत्थर हैं यार बड़े बड़े, उन पत्थरों में तैर भी नहीं सकते। शिट, बच गया भी भाई, कैमरा नीचे पत्थर में टकराने वाला था। ओफ हो, हा, हा, हा। भाई भाई बहुत ही गहरा था वहाँ पे, मेरे को भी लगा क्योंकि वहाँ पर आवाज़ ऐसी आ रही ना पानी की, भक भक करके आवाज है, बिल्कुल डूब। हाँ भाई एकदम से मेरा पैर पड़ा और सीधा नीचे। ये भाई तो करता बचाओ बचाओ, ये तो कूदने को तैयार है। अच्छा, लेकिन तैरना नहीं आता है। ओह कूदना मत यार, तुझे तैरना नहीं आता तो मुझे आता है, मैं खुद नहीं तैर पा रहा हूँ इतने भयंकर पानी के तेज बहाव में। भाई अच्छा हुआ यहाँ से साइकिल नहीं डाली, एकदम गड्ढा है भाई। तो यार आज तो अपनी प्यारी लद्दाख नहीं घुसेड़ूंगा इसमें, क्योंकि बेचारी वहीं अटक जाएगी कहीं। हाँ भाई अपने पास बाइक भी एक ही है ये वाली, और कोई MTB भी नहीं है, और बड़े पैसे लग जाते हैं। अभी हमने इसमें बियरिंग्स इंस्टॉल कर रखे, और भाई अंधेरा और बढ़ गया अभी। तो भाई लोगों तुम कहाँ से आए हो? यहीं पे से आए हो? घर वाले कुछ कहेंगे तो नहीं तुम्हारे, देर हो जाएगी? अरे हम मतलब ऐसे ही रोज रोज आते हो? अच्छा आते हो, चलो बढ़िया बढ़िया। तो भाई लोग भी अपने राइडिंग करते हैं, शाम को मज़ा आता है वैसे, सुबह और शाम को यहाँ पे सुबह अच्छा सनराइज़ देखने को मिल जाता है, और शाम को सनसेट भी काफ़ी बढ़िया होता है। तो अभी तुमने वीडियोस देखे हैं मेरे। तो गाइज़ अनलकीली लाइट बहुत कम हो गई यार, अब हमको जाना पड़ेगा यहाँ से। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप माइक यूज़ करते हो कैमरे में, तो मैं आपको बता दूं कि मैं GoPro Hero 7 कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, ब्लैक। GoPro Hero 7 के दो मॉडल्स आते हैं, इसमें ब्लैक है। ब्लैक इसलिए क्योंकि इसमें जो है बैटरी आपकी निकल जाती है आराम से, और बैटरी आप रिप्लेसेबल है, आप निकाल के चार्ज कर सकते हो, दूसरी बैटरी इंस्टॉल कर सकते हो। और जो नॉर्मल आता है हीरो सेवन, उसकी बैटरी जो है फिक्स बैटरी है, तो वो नहीं निकलती है, तो इसलिए मैंने ब्लैक लिया था। अभी फ़िलहाल काफ़ी यूज़ कर लिया मैंने इसको, दो सालों से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। अभी देखा आपने मैंने कितने गंदे पानी में इसको डाल दिया, मिट्टी रेता सब कुछ है, और ऐसे में बहुत बार इसको यूज़ भी कर चुका हूँ। तो दोस्तों माइक इसमें यूज़ नहीं करता हूँ अभी तक मैं, क्योंकि उसके लिए अलग से अडेप्टर लेना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट 4000 रुपये है, तो इतना पैसा अपने पास होता नहीं। 4000 में अपनी एक सीरीज़ वीडियोस की बन जाती है, ट्रिप निकल जाता है बढ़िया सा। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल हम लोग बिना माइक के, जितने माइक इसमें है वही यूज़ हो रहे हैं, बस थोड़ा सा ज़ोर से बोलना पड़ता है। जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं उनको भी लग रहा होगा, जो मुझे पहली बार व्लॉग करते देख रहे हैं, कि मैं नॉर्मली जैसे बोलता हूँ
तो इतना जोर से नहीं बोलता हूँ, और अभी मैं बहुत जोर से बोल रहा हूँ क्योंकि माइक में थोड़ा बहुत पानी आने चले जाता है या दूर रहता है हाथ से ऐसे, तो डिस्टेंस काफ़ी दूर रहता है वाइड एंगल लेने के लिए, तो जोर से बोलना पड़ता ताकि आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ सके। तो फिलहाल यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे वापस, क्योंकि अंधेरे में तो कुछ भी दिखेगा आपको, इमामुद्दीन भी दिखेगा और अपने नवीन भाई भी दिखेंगे। तो अभी अब ये चैलेंज को हम पूरा करेंगे, पार करेंगे इस पानी को। तो गाइज अब काफ़ी अंधेरा हो गया और हम जा रहे हैं वापस। ये देखो आपको हॉरिजॉन दिखाई दे रहा होगा और एक चांद दिखाई दे रहा होगा बस। तो मिलते हैं अभी आगे जहाँ पे लाइट होगी। तो गाइज अपन आ चुके हैं वहाँ से डुबकी मार करके नदी में, और ये देखो यहाँ क्या करा है तुम लोगों ने, ऐसा है खाई की खोद दी यहाँ है। तुम्हें नीचे कहाँ गिराऊंगा, अबे इतना गहरा गड्ढा क्यों बना दिया, इतना भयंकर गड्ढा क्यों बनाया है, पता नहीं क्यों। पर नीचे तो ऐसे जाएंगे है ना, ना हैं? अगर नीचे जाएंगे तो ऊपर भी नहीं आ पाएंगे ना। हाँ सही बात है ना, मेरी तेरी बात बिल्कुल सही है यार। यहाँ तो अगर अच्छे बनाए ना गहरा गड्ढा, बाप रे इतना गहरा गड्ढा खोद दिया इन्होंने जेसीबी से भाई, और इतनी मिट्टी निकल गई यहाँ तो, बाप रे ये तो दो डंपर मिट्टी से भी ज्यादा है भाई। वो देखो मंदिर की छत तक पहुंच गया भाई, ये तो बड़ा खतरनाक हो गया। हाँ भाई मैं ऊपर चल के दिखाऊं तुम्हें, ये देखो भाई कितना ऊपर पहुंच गया मैं, ये देखो भाई, अरे यहाँ तो आरबीएम निकल गया इसमें, पत्थर बोल्डर निकले इसमें तो। हाँ भाई तुम मत आना, मैं तभी नहाऊंगा इसलिए जा रहा हूँ, पैर गंदे जाएंगे तुम्हारे भाई, बहुत बड़े बड़े पत्थर निकले इसमें। सो गाइस नहा धो के अपने बाल वाल सब सुखा लिए हैं, और अभी छत में भी क्यूरिंग करके आया हूँ अभी अभी, और दोस्तों पूरा रेता रेता भर गया था सब जगह, पूरे कानों के अंदर, बालों में, हर जगह, पूरे लोअर के अंदर, तो बहुत पानी वेस्ट हुआ इसको साफ करने में। फिलहाल साफ हो गया और अभी कर लिया है डिनर दोस्तों, और थोड़ी देर में करता हूँ इस वीडियो को एडिट ताकि कल सुबह आप लोग जल्दी से इसको देख लें, क्योंकि वैसे करने में काफ़ी लेट हो जाएगा क्योंकि आजकल वो शॉर्ट्स वाला कंटेंट भी बनाना पड़ रहा है, तो दो दो कंटेंट चल रहे हैं एक साथ, तो इस वजह से यार एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, और अभी धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो जाएगा और टाइम कम लगेगा और जल्दी जल्दी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस।